अस्सलाम वालेकुम जाहिद, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि ये मेरा नया चैनल है, ठीक है। मेरा पुराना चैनल जो था वो मैंने उसको छोड़ दिया है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये चैनल देख लीजिए, नाम देख लीजिए इसका, आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा चैनल मेरा जो है टेक्निकल हाउस टिप्स वाला, मैं उस पर कोई वीडियो नहीं डाल रहा। यहाँ मेरा ये चैनल खोलिए, ऐसे वीडियो पे आइए, वीडियो पे आके नीचे पढ़ते जाइए, एक एक करके ये देखिए, ऐसे नीचे चलते जाइए आप। जितनी वीडियोस मेरी पासपोर्ट की, यूट्यूब के इंफॉर्मेशंस की, कॉपीराइट्स या इस तरह की जितनी भी हैं, पासपोर्ट रीन्यूअल ऑनलाइन कैसे करना है, चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है, मिरर गो, फेसबुक लोगो, इंट्रो, अडोब फोटोशॉप का कोर्स भी इंशाल्लाह आने वाला है, ट्यूब बॉडी एक्सटेंशंस वगैरह, आप अगर मोबाइल कंप्यूटर कोर्स वगैरह, नेटवर्किंग और मतलब है सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीज़ें इसी एक चैनल में आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी से उधार लिया है या आपसे किसी ने उधार लिया है तो उसका क्या प्रोसीजर है उसे पैसा वापस लेने का, ठीक है। देखिए, उधार जो पैसा का लेन देन होता है ये एक पर्सनल मैटर होता है। अगर आप किसी कंपनी में रह के किसी को उधार देते हैं तो कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि ये आपका अपना लेन देन था, कंपनी में इसका कोई अमल दखल नहीं है। अगर आप किसी कफील के पास हैं तो ये भी सेम टू सेम चीज़ है। मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि जी मेरा फाइनल एग्जिट लग गया है, मैंने पैसा लेना है, बंदा दे नहीं रहा, या मैंने फाइनल एग्जिट पे जाना है, बंदा पैसा नहीं दे रहा, या मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, बंदे ने पैसा देना है, वो दे नहीं रहा। अब मैंने जब उनसे पूछा कि आपके पास कोई लिखाई में है जब आपने पैसा दिया, उसने कहा जी नहीं, वो बंदा एतबार वाला था इसलिए दिया, तो कोई लिखाई नहीं की। मैंने कहा आपके पास कोई एविडेंस और किसी किस्म का, कोई जमानती बंदा, कोई जो जमानत दे इस चीज़ की, या कोई गवाही दे इस चीज़ की कि भाई हाँ इसने पैसे दिए थे दो बंदे, नहीं है जी। ऐसी जब कंडीशन होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने खा किसी को कानूनन आप कुछ नहीं कर सकते, उधार दिया है वैसे आप बेशक उसको मारें, गले पड़ेंगे, जो भी करेंगे वो आपका एक अपना फेल है जिसका आपको नुकसान होगा यहाँ पर लड़ाई झगड़े का, तो लेकिन कानूनन आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप किसी के साथ लेन देन करते हैं तो मेरे भाई उसका लिखाई में ज़रूर रखें, जितना भी वो ट्रस्टेड बंदा है लिखाई में जब आप रखेंगे तो कल आपको पैसा ना मिले तो वो आपके बहुत काम आता है। अगर लिखाई भी नहीं है आपके पास तो दो कम से कम गवाह आपके पास होने चाहिए जो कहें कि हाँ जी इसने पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है, इस डेट में, इस तारीख में दिया है, ये इनकी बातें हुई हैं, ये कहानी है वो। जब ये चीज़ें होंगी तो आप ये केस लेबर ऑफिस में नहीं कर सकते पैसे का। आप अगर मसलन किसी कफील के कंपनी में काम करते हैं तो ये उसके साथ काम करते हैं, अगर जिसका वीज़ा है फिर तो ठीक है, आप कर सकते हैं केस। लेकिन अगर आप किसी का वीज़ा है और काम कहीं और करते हैं, उसके लिए मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शुरता में जाना पड़ेगा। हकूक करके एक अदारा होता है, शुरता हकूक करके मेरा ख्याल है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आप जाएंगे, जाके अपना जो आपके साथ गवाह हैं या लिखाई का पेपर है वो देंगे, बोलेंगे ऐसे ऐसे हमने, मैंने उधार दिया था, ये हमारी बात हुई थी, ये हमारी कमिटमेंट थी, ये बंदा उधार नहीं दे रहा। वहाँ जाके आप केस करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे तो वो पैसा आपको उनके थ्रू मिलेगा, आपको वो पैसा वो लेके देंगे अगर आपके पास कुछ रिटर्न में होगा। अगर कुछ रिटर्न में नहीं है मेरे भाई तो फिर आप उसे पाकिस्तान में कॉन्टेक्ट करके लें, कोई उसके घर कोई बंदा अपने घर का भेजें, उसे बड़ों से बात करें, यहाँ चार बंदे साथ बिठा के बात करें, थोड़ा थोड़ा पैसा उसे बोलें दे दो भाई तुम्हारे पास नहीं है, या इस तरह की कोई जो मुनासिब आपको चीज़ लगती है वो करें और यहाँ आप उस तरह पैसा उससे ले सकते हैं। उधार का पैसा लेने का यही तरीका है जो मैंने मुनासिब समझा आपको बताऊं, क्योंकि दोस्त पूछ रहे हैं।
कुछ व्यूवर्स के कैसे लेना है, इस तरह बंदा पैसा नहीं दे रहा, मैंने मुनासिब समझा। जैसे मैंने आपको बताया मुझे कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कहीं और दोस्तों का भी ये मसला सॉल्व हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा फ़ोन नंबर 0581014313 व्हाट्सएप और ईमो भी यही है, आप मुझसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं, शायद इससे किसी का फ़ायदा हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।